Brought to you by ITIL Series. बिहार से आप यहाँ परीक्षा देने आए? बिहार पुलिस में परीक्षा नहीं दी क्या? अरे बिहार पुलिस में तो पेपर लीक हो जाता है, उसमें एग्जाम कैंसिल हो गया था। हाँ अभी भी भर्ती होकर क्या करेंगे? बस यहाँ यूपी की सेवा करेंगे। बिहार में तो सेवा करने का मौका मिल नहीं रहा है, यूपी में बाबा के राज में सेवा करने का मौका मिलेगा। पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, लेकिन जी मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे जूते। देखिए नंगे पैर हैं। अब आप समझिए, रात में इनका कहना इनका जूता गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की परीक्षा किस कदर हो रही है, क्या उत्साह है, क्या जोश है, मेरे पीछे देखिए। युवा हिंदुस्तान के युवाओं का एक जोश, एक रेला। ये कुंभ का कोई मेला नहीं है जिसमें कि प्रयागराज में कोई दर्शन करने पहुंचा हो। दरअसल ये अपने भविष्य की गंगा नहाने के लिए आए हुए हैं। इसमें लोग सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं, बिहार से, झारखंड से, तरह तरह से जगह से लोग आए हैं। ये ज्ञान भारती स्कूल है जिसमें अभी सुबह छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे और यहाँ परीक्षा दे करके अब निकल रहे हैं। जूम देखिए, पूरा मतलब युवा जोश है। आप क्रिकेट मैचों में देखते होंगे इस तरह के निकलते हुए। अब ये परीक्षा देके निकले हैं। ये मैं यहाँ सेंटर के बाहर हूँ, लोग निकल रहे हैं। इनसे पूछ भी लेते हैं कि ये परीक्षा देने जो आए हैं कहाँ से आए हैं, क्या इनका परीक्षा देने आए, देखे रहे हैं भाई? अब परीक्षा देने आए थे जी? कैसा हुआ पेपर? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ से आए? शिवराजपुर से। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी टाइम टेकिंग था पेपर, रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी। क्या नाम है आपका? अभी परीक्षा देखे? दीपू कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से। पश्चिमी चंपारण। तो बिहार से आप यहाँ परीक्षा देने आए? बिहार पुलिस में परीक्षा नहीं दी क्या? अरे बिहार पुलिस में तो पेपर लीक हो जाता है, उसमें एग्जाम कैंसिल हो गया था। अच्छा, पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो ये विश्वास है आपको यूपी में कि पेपर लीक नहीं हो, इसलिए परीक्षा देने आए? अभी तो अंदर की बात है, बता सकते हैं लोग। एक शख्स और भी है पेपर देके आए हैं, कहाँ से आए हैं? जी बिहार से आए, सिवान जिले से। सिवान जिले से। तो सिवान तो बड़ा मशहूर रहा है माफिया लोगों के लिए। भर्ती होकर क्या करेंगे? बस यहाँ यूपी की सेवा करेंगे। बिहार में तो सेवा करने का मौका मिल नहीं रहा है, यूपी में बाबा के राज में सेवा करने का मौका मिलेगा। पेपर दिया है तो कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, लैंग्वेज ज्यादा था। हाँ, रीजनिंग टाइम लिया बस। एक और सवाल पूछेंगे, जब बिहार से लोग आए हैं इस बार, जो दिल्ली हावड़ा रूट है बिहार से आने वाली ट्रेनों पे, यात्री बहुत परेशान हुए, स्टेशन पे कब्जा हुआ, तो आप लोगों को परेशानी हुई कुछ? जूता नहीं, ट्रेन में ही रह गया जूता। अब बताइए कितना परेशानी हुआ, बिहार संपर्क से आए ना, जूता मिला, जूता ट्रेन में ही रह गया। ये अपना दर्द बता रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, लेकिन जी मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे जूते। देखिए नंगे पैर हैं। अब आप समझिए, रात में इनका कहना इनका जूता गायब हो गया है। वहाँ से आए हैं और भी लोग आए हैं बिहार से। अभी क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। परीक्षा दिया पिंटू? जी। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है सिलेक्शन हो जाएगा? उम्मीद तो है। तो एक सवाल ये है कि बिहार से क्यों आए यहाँ देने के? बिहार में भी तो दे रहे हैं, जहाँ मतलब सिलेक्शन पहले हो जाए, उम्मीद ये भी तो देखना है। क्या यूपी पुलिस की इधर जो छवि पूरे देश में हुई, दुनिया में अच्छी हुई है, अटैक करने के लिए, कार्रवाई, अपराधियों कार्रवाई करने के लिए, उससे उत्साह तो नहीं कहीं बढ़ा कि यहाँ आना है? नहीं नहीं, वो सो नहीं। बिहार की पुलिस श्रेष्ठ है या यूपी की? यूपी की है। देखिए मेरे कैमरा में नजर दिखाएंगे, और भी यहाँ भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए। अब आपको मेरे कैमरा में नजर दिखाएंगे, चारों तरफ भीड़ देखिए, हर तरफ भीड़ी भीड़ है। कुछ आने वाले हैं परीक्षा देने के लिए और कुछ परीक्षा देने अंदर जाएंगे, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा छुट्टी है 12 बजे ज्ञान भारती स्कूल के बाहर। चारों तरफ यहाँ छात्री छात्र दिखा दे रहे हैं। और सुनिए, हिंदुस्तान कह रहे हैं महिलाओं का 21वीं महिलाओं को होगी, महिलाओं की भागीदारी है, तो आप देखिए लड़कियाँ भी यहाँ जो खड़ी हुई हैं परीक्षा देने के लिए आई हैं, तरफ बड़ी दूर दूर से आई हुई हैं। कई एक लड़की भी आई है, इनसे भी पूछते हैं, जरा आइए पूछ ही लेते हैं क्या है। आप परीक्षा देने आई यहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ से आई? उत्तरीपुरा। उत्तरीपुरा से। तो पुलिस में भर्ती होकर क्या करना चाहती? पुलिस में भर्ती। और भी कोई परीक्षा दी इसके पहले? नहीं। तो पुलिस में भर्ती होंगी? जी। क्या सोच के क्या करना है? पुलिस में भर्ती। पुलिस अच्छी नौकरी है, लोग कहते हैं पुलिस कुछ काम नहीं करती या पुलिस के खिलाफ बदनामी होती, फिर भी पुलिस क्यों करना चाहती है, क्या मतलब है? नहीं, अच्छी नौकरी है। ये भी देखिए कि लड़कियां भी हैं, उनको कहना है कि पुलिस की नौकरी अच्छी है पुलिस के लिए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, भीड़ है चौराहों पे, आपको और दिखा देते हैं यहाँ पे, ये भी कई लड़कियां आई हैं। कभी आप पुलिस की परीक्षा देने आई? क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, देखिए अभी से समझाएंगे तो पुलिस नौकरी कैसे करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए पुलिस की नौकरी देने आई हैं, लेकिन शर्मा रही हैं, जाहिर सी बात है कि आगे चल के उनको वे
पुलिस की ही नौकरी करनी है, लेकिन शायद अभी हिचक होती है, नहीं बोल पा रही। और भी आपको अब दिखाते हैं इस रोड का हाल। जैसे कानपुर में कहते हैं ना कि 2 लाख 2.25 लाख लोग शनिवार और संडे को परीक्षा दे रहे हैं, इस समय पुलिस की व्यवस्था थी, परीक्षा सेंटरों के अंदर अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद यहाँ का क्या हाल है हम तो दिखाते हैं। किस तरह से लोगों की चौराहों पर भीड़ लगी हुई है, दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, तरह लोग आए हुए हैं काफ़ी यहाँ पर। देखिए साधनों की कमी हो गई है यहाँ पर, इसीलिए स्टेशन पे, बस स्टॉप पे सब जगह जाम लगा हुआ है। फिर भी ये जोश है, सचमुच जोश है पुलिस में भर्ती होने का। बिहार के लोगों की आपने बात सुनी, बिहार के लोगों का कहना था कि हम इसलिए यहाँ परीक्षा देने आए कि यूपी पुलिस अच्छी है। एक लड़के से हमने पूछा भी तो उसने कहा कि यूपी और बिहार दोनों परीक्षा दी है, यूपी में होगा तो ज़्यादा अच्छा है। यूपी पुलिस के लिए ये जरूर सुकून की बात हो सकती है कि उसकी पॉपुलरिटी का ढंग का दूसरे प्रदेशों के युवाओं में फैल रहा है, लेकिन इस परीक्षा में जो लोग आए हैं उन्होंने अपनी दुश्वारियाँ भी बताई हैं, अपनी परेशानियाँ बताई हैं, यहाँ तक आने की बताई हैं। शायद सरकार और प्रशासन के अधिकारियों को इस पर भी ध्यान देना होगा कि आगे चल के उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो इन छात्राओं के आने जाने और रहने की व्यवस्था भी करना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा खर्च टिकट लेके आते हैं, फीस फॉर्म की जमा करते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए भी पता नहीं, तो कम से कम उसे आने जाने और रहने की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। उम्मीद है शायद आगे चल के ऐसा कुछ हो। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।